नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का। दोस्तों हमारे आज 11वां चैप्टर है वायुमंडल में जल वाष्पीकरण संघनन वर्षण उनके प्रकार हैं दोस्तों वितरण का। बेहद ही आसान और दोस्तों छोटा सा टॉपिक है ये आपके। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, आर्द्रता हवा में मौजूद जल वाष्प को हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का यहाँ पे दोस्तों वजन है, वनज नहीं है, यहाँ पे है वजन, वजन किस में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन किस में व्यक्त किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों ग्राम प्रति घन मीटर में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आर्द्रता होती है। तो दोस्तों आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है दोस्तों, तापमान की आर्द्रता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ यदि तापमान कम होगा तो आर्द्रता क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तापमान कम होगा तो आर्द्रता क्या होगी, बढ़ेगी। और तापमान अगर ज़्यादा होगा, अगर तापमान ज़्यादा होगा तो आर्द्रता क्या होगी, आर्द्रता होगी दोस्तों कम। यानी आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता होती है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे अ ऑप्शन है दोस्तों, तो अ ऑप्शन यहाँ होगा आपका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अ ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे अ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, वाष्पीकरण का मुख्य कारण है। तो दोस्तों वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है, आसान सा प्रश्न दोस्तों, ताप। क्या है दोस्तों, तापमान ही वाष्पीकरण का मुख्य कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, संघनन होने की निम्न में से स्थितियाँ हैं। तो दोस्तों संघनन होने के लिए निम्न में से कौन सी स्थितियाँ हैं, ये है दोस्तों आपके वायुदाब का आयतन नियत होना एवं तापमान औसांक तक गिर जाए तब दोस्तों संघनन की क्रिया होती है, और वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए तभी दोस्तों संघनन की क्रिया होती है, और दोस्तों वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए फिर हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए अच्छी अवस्था है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों जब सूर्य से दोस्तों जल को ताप मिलता है तो दोस्तों इस ताप से ये भाप के रूप में दोस्तों जल ऊपर उठता है, और ऊपर उठने पर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में चर्चा की, ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होगी, कमी होगी, और यही वाष्प धीरे 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 दोस्तों संघनित होकर बादलों के रूप में बन जाती है, और दोस्तों इसी कारण से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अंतिम में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों वर्षा होती है। और दोस्तों जिस ताप पर ये जल दोस्तों क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसका भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपके प्रश्न बना होगा मन में कि संघनन क्या है, तो जल वाष्प का जल के रूप में बदलना ही क्या है दोस्तों, संघनन है। जैसा कि अगर हम घर में प्रयोग करके देखें कि अगर एक बर्तन में पानी डालेंगे तो पानी डालने पर क्या होगा दोस्तों, वो पानी से दोस्तों एकदम से तो भाप निकलेगी नहीं, एक ऐसा तापमान होगा जिस पर दोस्तों पानी की भाप बनना शुरू होगी, और उस तापमान को ही क्या कहते हैं दोस्तों, उस तापमान को ही कहते हैं दोस्तों गुप्त ऊष्मा। और दोस्तों जब भाप ऊपर उठेगी तो दोस्तों ऊपर हम जानते हैं ऊपर तापमान कम होगा, संघनन के कारण बादल बनेंगे, बादलों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगी दोस्तों, वर्षा होगी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन द इसका राइट आंसर है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ये सभी दोस्तों आपके सुमेलित है, परिभाषित दोस्तों शब्दावली है, इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे टॉपिक में दे रखा है प्रकार एवं दोस्तों वितरण। तो दोस्तों ओस क्या होती है? तो ओस क्या होती है दोस्तों, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनित होकर ठोस वस्तुओं, ठोस वस्तुओं का मतलब क्या हुआ, यानी दोस्तों घास पत्ती फूल आदि पर दोस्तों संघनित होती है, तो दोस्तों वो जल के रूप में हमें बूंदों के रूप में दिखाई देती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं दोस्तों ओस। और तुषार क्या होती है? तुषार दोस्तों ओस जैसी ही अवस्था है, लेकिन ओस में जल की बूंदें दिखाई देती है और तुषार में दोस्तों बर्फ के रवे यानी बर्फ जमी हुई हमें दिखाई देती है। तो ये होती है दोस्तों तुषार। और कोहरे की बात करें तो कोहरा भी हम सभी जानते हैं दोस्तों, सर्दियों में कोहरा हमें दिखाई देता है। जब दोस्तों अधिक मात्रा में भरी हुई वायु संहति नीचे गिरती है तो वह धूल के कणों के ऊपर ही संघनित हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को दोस्तों कोहरा कहते हैं। अब बादल क्या होता है? पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रोहों की सतही, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों बादल। यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के पश्चात दोस्तों जल की बूंदें क्या होती है, जल की बूंदें छोटे रवों के रूप में दोस्तों जम जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही बादल कहते हैं। तो ये सभी आपके सुमेलित है, इनको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, बादल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों बादल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये किया गया दोस्तों आपके चार भागों में। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स। और ये चार भागों की चर्चा करें तो ये चार भाग कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों आपके पक्षाभ में, कौन सा है, पक्षाभ में। दूसरे की बात करें तो दूसरा है दोस्तों आपके कपासी में, कौन सा है, कपासी में। और तीसरे की बात करें तो तीसरा है दोस्तों आपके स्त्री मेघ, कौन सा है, स्त्री मेघ। और चौथे और अंतिम की बात करें तो चौथा है दोस्तों आपके वर्षा मेघ। तो ये चार प्रकार के दोस्तों बादल है। और दोस्तों पक्षा मेघ आपके सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं और ये होते हैं दोस्तों आपके लगभग 8,000 से, 8,000 से दोस्तों आपके लगभग 12,000 मीटर तक स्थित होते हैं ये आपके पक्षा में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को कितने प्रकारों में बांटा गया है? ये बांटा गया है दोस्तों आपके तीन प्रकारों में। और ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं वर्षा के? तो पहला है दोस्तों आपके संवहनीय वर्षा, कौन सा है, संवहनीय वर्षा। दूसरा है दोस्तों आपके पर्वतीय वर्षा। तीसरा है दोस्तों आपके चक्रवातीय या फिर दोस्तों फ्रंटल, जिसे क्या कहते हैं, फ्रंटल भी कहते हैं। ये होते हैं दोस्तों आपके उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के प्रकार। और संवहनीय वर्षा किस क्षेत्रों में होती है? ये होती है दोस्तों अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में। और दोस्तों पर्वतीय वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में, और चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा समशीतोष्ण क्षेत्रों की ये वर्षा होती है। तो ये तीन प्रकार होते हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आठवां प्रश्न, विषुवती प्रदेशों में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है, हमने दोस्तों पिछले चैप्टर में इसकी चर्चा की। तो विषुवतीय क्षेत्र या फिर दोस्तों जिसे भूमध्य क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, इस क्षेत्रों में दोस्तों कौन से मेघ देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों आपके कपासी मेघ, ऑप्शन ब होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला नौवां प्रश्न दोस्तों, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों आपके पर्वतों के पवना निमुख ढाल को, किसे कहते हैं, पवना निमुख ढाल को। ध्यान में रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ब होगा दोस्तों इसका राइट आंसर।
चलते हैं हमारे अगले 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न दोस्तों, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो दोस्तों संसार की सर्वाधिक वर्षा किस रूप में होती है? ये होती है दोस्तों आपके पर्वतीय वर्षा के रूप में। ऑप्शन ब होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? अब दोस्तों हमने 7वें प्रश्न में दोस्तों चर्चा की थी कि उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला की चर्चा की थी दोस्तों आपके समवनीय वर्षा, दूसरी थी दोस्तों पर्वतीय वर्षा, तीसरी थी दोस्तों आपके चक्रवातीय वर्षा। और हमने ये भी चर्चा की थी कि चक्रवातीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ये होती है दोस्तों आपके समशीतोष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन ब। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो ये किसके समान प्रतीत होता है दोस्तों? गोभी के फूल के समान, और किस मेघ का होता है दोस्तों? ये होता है आपके कपासी मेघ का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन स। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न 13वां प्रश्न दोस्तों, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं आपके पक्षाभ मेघ। क्या कहते हैं? पक्षाभ मेघ। अब दोस्तों इस टॉपिक से आपके इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों अब पक्षा में कि हमने चर्चा की थी, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मेघ होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन स। चलते हैं अगले 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके, ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए। तो ऑप्शन स होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती की माता? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही दोस्तों तथ्यात्मक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रकार एवं वितरण आपके टॉपिक में सीधा सीधा शब्द दे रखा है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मोती की माता किसे कहा जाता है? किस मेघ को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके पक्षाभ मेघ को। और पहले भी चर्चा की हमने, ये क्या होते हैं? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मेघ होते हैं। ऑप्शन स होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले 16वें प्रश्न की ओर। अगला 16वां प्रश्न दोस्तों, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? अब दोस्तों अगर इस प्रश्न के बारे में चर्चा करें, वैसे तो जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी दोस्तों घटक मानव के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है सबसे। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, तो दोस्तों वर्षा आदि की दृष्टि से देखें तो आपके जलवाष्प, कौन सा दोस्तों? जलवाष्प मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 17वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो दोस्तों कौन सी है वह प्रक्रिया? अब दोस्तों संघनन की बात करें तो संघनन में दोस्तों पता है हम सभी को, गैस से द्रव में बदलता है। और वाष्पीकरण की बात करें तो द्रव से गैस में बदलता है। और हमें पूछा प्रश्न में दोस्तों द्रव से गैस में ही है, तो ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें जल द्रव से गैस में बदलता है? तो वह प्रक्रिया आपके वाष्पीकरण, ऑप्शन ब होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले 18वें प्रश्न की ओर दोस्तों। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो इसमें से कौन दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता आपके संतृप्त हवा।
तो द ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 1900 प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। अब दोस्तों बादलों के प्रकारों की भी हमने चर्चा की थी, कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, और ये भी चर्चा की थी दोस्तों कि सर्वाधिक ऊंचाई पर यानी आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो वो बादल है दोस्तों आपके पक्षाभ मेघ या फिर पक्षाभ बादल। ये दोस्तों आपके लगभग 8000 से कितना 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो अ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न और 20वां प्रश्न दोस्तों वर्षण के प्रकार होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो वर्षण के प्रकार कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 3, और ये 3 कौन कौन से होते हैं। पहला तो हो गया दोस्तों आपके पहला यही हो गया वर्षण, दूसरा हो गया दोस्तों आपके हिमपात, तीसरा हो गया दोस्तों आपके सहिम वृष्टि। कौन सा, सहिम वृष्टि। अब वर्षण की बात करें तो वर्षण में जब जल के रूप में वर्षा होती है तो उसे ही दोस्तों वर्षण कहते हैं। अब हिमपात की बात करें, जब तापमान से कम हो, जब दोस्तों तापमान कम हो तो वर्षण दोस्तों हिमतुल के रूप में यानी बर्फ के रूप में दोस्तों जब नीचे गिरती है वर्षा तो उसे क्या कहते हैं, उसे हिमपात कहते हैं। अब सहिम वृष्टि की बात करें तो सहिम वृष्टि क्या है, यह है दोस्तों आपके जल की बूंदों के साथ हिम कणों का आना, जिसे ओले भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहिम वृष्टि। तो ये आपके वर्षण के प्रकार हो गए 3 प्रकार। कौन सा हो गया, सबसे पहला वर्षा हो गया यानी जब जल के रूप में वर्षा होती है तो इसे वर्षण कहते हैं। हिमपात हो गया, जब दोस्तों बर्फ के रूप में जब वर्षा होती है तो दोस्तों इसे हिमपात। और सहिम वृष्टि की बात करें तो सहिम वृष्टि हो गया दोस्तों बूंदों के साथ हिमकणों की वृष्टि। तो ये हो गया आपके 3 प्रकार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके 11वें चैप्टर से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आसान सा टॉपिक है दोस्तों, इसमें से इसी प्रकार के आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ ऐसे नए प्रश्नों के साथ। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।